बंगला टूटा, परिवार टूटा, लेकिन चिराग पासवान ने मोदी का विरोध कभी नहीं किया। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। आज ये सवाल दरअसल उठाया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो चुके हैं। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान जो है लगातार तंज कसते हुए तो नजर आते हैं, साथ ही साथ मोदी का वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को किसी कार्य के लिए बुलाया है या कोई कार्य दिया है, तब तक चिराग पासवान ने हमेशा से उनका साथ दिया है। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी के ही तरफ से चिराग पासवान का बंगला तोड़ा गया था, उनके परिवार उनसे छूट गए थे, लेकिन आज तक उन्होंने मोदी का विरोध क्यों नहीं किया है। चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए की बैठक से पहले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में जाने की घोषणा की है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि एनडीए से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध नहीं किया। 2020 में एनडीए छोड़कर वो वापस गठबंधन में वापसी का कारण भी बताया। चिराग पासवान ने बताया कि 2007 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में आए, तभी लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया। अब पार्टी नीतीश कुमार की नीतियों की हमेशा विरोध में रही है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने रामविलास से कहा कि बीजेपी का गठबंधन है, जदयू का नहीं। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी उनकी पार्टी को हराना चाहते थे। 19 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश नीतीश की इस नीतियों की वजह से रामविलास पासवान ने एनडीए से अलग होने का मन बना लिया। उनके निधन के बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो नीतीश एनडीए में थे, इसलिए चिराग ने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एनडीए में रहना संभव नहीं था। लोजपा रामविलास के प्रमुख का आगे कहना है कि 20 से लेकर अब तक कई बार उन्हें भड़काया गया। उनसे कहा गया, बीजेपी सरकार ने रामविलास पासवान का बंगला खाली करवा दिया था, परिवार को तोड़वा दिया था, फिर भी बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ा। चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा और एनडीए की नीति एक जैसी है, बीजेपी से कभी भी विवाद नहीं रहा, सिर्फ नीतीश कुमार से दिक्कत थी, बीजेपी से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार का स्वीकार नहीं करना है, इसीलिए एनडीए को छोड़ दिया। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान से ये सवाल किया गया कि बीजेपी के रहते हुए आपके पिताजी के निधन के बाद भी लगातार आपके परिवार के साथ व्यवहार गलत किया गया, आपके परिवार को तोड़ा गया, आपके सामान को तोड़ा गया, इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि वो कभी भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते ही नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते हैं। जब 2020 में एनडीए में नीतीश कुमार ने शामिल होने का फैसला लिया, इसीलिए वो एनडीए का साथ छोड़ दिए। लेकिन आज जब महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, एनडीए से अलग है नीतीश कुमार, इसीलिए एक बार फिर से वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधाराओं का समर्थन किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्मेशन।